सिर्फ 60 दिन बचे हैं टर्म टू के लिए, कैसे प्रिपेयर करूं? सिलेबस भी कंप्लीट करना है, नोट्स भी याद करने हैं और क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर तुम भी ऐसे ही कंफ्यूज्ड हो तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम नेक्स्ट 60 डेज में अपने टर्म टू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। तुम्हें अपने सिलेबस का एक अच्छा आइडिया होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस तुम्हें CBSE के साइट पे मिल जाएगा, तो तुम्हें सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड करना है एंड उन्हें ऐसी जगह रखो जहाँ से तुम इजीली एक्सेस कर सको, या फिर चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। सिंस CBSE ने सिलेबस में डिडक्शन भी किया है, तो अगर तुम्हें डिलीटेड टॉपिक्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमने इस पर पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सभी डिलीटेड टॉपिक्स को NCERT में मार्क भी करवाया था। ये चीज़ ज़रूर से कर लेना क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है और तुम अपना एक भी मिनट ऐसे टॉपिक या चैप्टर पे नहीं लगा सकते जो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उससे क्लियर है कि तुम्हारा पेपर का पैटर्न सब्जेक्टिव होने वाला है। दैट मीन्स तुम्हें जितना हो सके उतना लिख कर प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे एंड एग्ज़ाम में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। स्पेशली हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में जो राइटिंग वाला पार्ट होता है वो काफ़ी लेंदी भी होता है एंड तुम्हें मार्क्स भी लिखने के मिलते हैं। उसमें तुम्हें ग्रामर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अनलाइक साइंस एंड सोशल साइंस जिसमें तुम्हें मार्क्स स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे मिलते हैं, सो इसका ध्यान रखना। अब बात आती है कि तुम सिलेबस को कवर कहाँ से करोगे। इसके लिए तुम्हारे पास मेनली 2 ऑप्शंस हैं, बुक्स और यूट्यूब वीडियोज, या फिर अगर तुम किसी पेड कोर्स में इनरोल्ड हो देन वेल एंड गुड। बुक्स पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तुम चेकआउट कर सकते हो। बात रही यूट्यूब वीडियोज़ की, तो सिंपली तुम्हें चैप्टर का नाम सर्च करना है यूट्यूब के सर्च बार में और तुम्हें काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट मिल जाएगा जिसे यूज़ करके तुम इजीली अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। तुम बुक्स और यूट्यूब वीडियोज़ में से अपने अकॉर्डिंग कोई एक चूज़ कर सकते हो या फिर दोनों, बट मेरी सजेशन रहेगी यूट्यूब वीडियो, सिंस तुम्हारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है और यूट्यूब वीडियोज एक ऐसा फ्री रिसोर्स है जहाँ से तुम बहुत ही फास्ट पेस में अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ से भी पढ़ो बट साथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। एंड भैया कंप्लीट चैप्टर नोट, तुम्हारे पास वो लेंथी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तुम्हें अपना मेजोरिटी टाइम कॉन्सेप्ट समझने और अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में लगाना है। तुमने टर्म 1 में देख ही लिया कि CBSE ने किस तरीके के क्वेश्चन सेट किए थे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। फिर भी अगर तुम्हें कंप्लीट चैप्टर नोट्स चाहिए तो वो भी हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं साइंस और सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स के, तो वो तुम डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस 3 लेवल्स पे करनी है। सबसे पहले तुम्हें करनी है अपनी NCERT। NCERT में क्या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स भी तुम्हें देखने हैं। देन तुम्हें सॉल्व करनी है तुम्हारी NCERT एग्जाम्पलर, साइंस और मैथ्स में आती है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होती है। एंड देन तुम्हें सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट 7 to 8 ईयर्स के तो कर ही लेना, बाकी अगर 10 तक कर लिए तो और भी बढ़िया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है किसी भी रिसोर्स में जो कि रिपीटेटिव हो या फिर तुम्हें उसका आंसर पहले से ही पता हो, तो उन क्वेश्चन को तुम्हें स्किप कर देना है। वैसे क्वेश्चन पर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। सो आई होप तुम्हें ये स्ट्रैटेजी क्लियर होगी, बट तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना एंड अगर तुम्हें सिर्फ 5 मिनट्स में सभी पोएटिक डिवाइसेस को कवर करना है तो ये वाली वीडियो पे क्लिक